वेलकम टू द हेल्थ हैप्पीनेस एंड सक्सेस विद डॉक्टर अब्दुल समद। नाज़रीन, उम्मीद है आप फ्रेश तरोताज़ा पुरसकून पावरफुल स्ट्रॉन्ग होंगे और अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरीके से सर अंजाम देते हुए अपने आप को एक ताकत पावर समझते हुए, अल्लाह ताला की एक अशरफुल मखलूकात समझते हुए अपने आप को आप अपने फ़राइज़ को बहुत अच्छी तरीके से सर अंजाम दे रहे होंगे। और ये मायूसी, कमज़ोरी, ये चीज़ें चूँकि अशरफुल मखलूकात का काम नहीं है, इस चीज़ों से आपको छुटकारा मिल चुके होंगे और मिले भी हैं। आप लोगों ने हमें कॉल भी किए थे और आज भी कॉल करेंगे इंशाल्लाह प्रोग्राम में। और आज मेरा टॉपिक है तालिबे मसाइल। तालिबे मसाइल क्यों और कैसे, कहाँ, क्या हालात हैं लोगों पे, बहुत से इतना बोझ लोगों पे, बच्चों पे हैं। तालीमी मसाइल इतने ज़्यादा हो गई हैं, इतने प्रॉब्लम्स आ गई हैं, बच्चों पे बहुत बोझ है, बर्दाश्त नहीं करते, उसमें हौसला नहीं है, तहम्मुल नहीं है। और ये कैसे, अगला मेरा जो प्रोग्राम होगा, इस ये प्रोग्राम नहीं, अगला जो प्रोग्राम होगा मैं इसी पे मुकम्मल एक प्रोग्राम करूँगा कि क़ुव्वत इरादे, क़ुव्वत बर्दाश्त और क़ुव्वत हौसला कैसे बढ़ाएँ और किस तरह के हम उस पर काम करेंगे। मगर इस प्रोग्राम में मैं बड़े ज़रूरी बात आपसे करूंगा कि किस तरह हम अपने तालीमी मसाइल पे काबू पा सकें। और ये क्या वजह होता है इसका, इसका वजह ये है कि एहसास कमतरी की वजह से भी होती है। वालदैन का बच्चों के साथ सही बर्ताव ना करने से और गलत सजेशन देने से, नेगेटिव सजेशन देने से, बुरा भला कहने से, उनको कमज़ोर और लाचार और नाकाम समझने से भी होता है। क्योंकि मोटिवेशन जब घर में नहीं मिलता है और फिर स्कूल में भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि उस्ताद बड़ी तशद्दुद भी करते हैं लोगों के, बच्चों के साथ मोटिवेशन नहीं देते हैं और उसको तशवीक नहीं करते बच्चों को, वो कहते हैं तुम्हें तो ये है वो है, इस तरह के एक मसाइल बनते हैं इस हवाले से। दिलचस्पी ना लेने का भी एक वजह है कि आजकल काम इतने हो गए कि दिलचस्पी ख़त्म हो गई। दिलचस्पी इसलिए ख़त्म हो गई क्योंकि इंटरनेट है आज आपके पास, आज के पास आपके मोबाइल है, बच्चों ने भी चुप चुप के ले लिए हैं और बस बातें करते रहते हैं। बल्कि लोगों ने बच्चों को दे भी दिए है, कहते हैं बच्चे पढ़ो, आप साथ साथ फ़ोन पर बात करते रहो, कुछ ऐसा कुछ करते रहो, तो बड़े अब इंटरनेट है और साथ ही जो ये चीज़ें है उसके, यानी जब बच्चा थोड़े से कम मार्क्स ले आते हैं तो वो एहसास कमतरी के शिकार हो जाते हैं, खौफ में मुब्तला हो जाते हैं, अगले इम्तहानात का खौफ होता है कि मैं तो फिर बिल्कुल ही नाकाम ना हो जाऊं, कोई और मसला ना हो जाए, तो ये इसका वजह भी है। और इसी तरह इंटरनेट आजकल आपको ऐसे दुनिया दिया आज इंटरनेट, आपने इंटरनेट के बड़े मसाइल है, ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई क्योंकि इंटरनेट है हमारे पास तो फिर ज़िम्मेदारी कहाँ से आ सकता है। और इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी बात करेंगे। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रही है? मेरा बात कर रही हुमैरा बात कर रही है जी। क्या कहेंगे हुमैरा जी? बहुत अच्छे प्रोग्राम जा रहे हैं आप, बहुत खुशी होती है देख के। बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया। हाँ, प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, सही बात जी। तो ये तो आज एजुकेशन से बात हो रही है, तो मैं कहना चाहती हूँ मेडिकल के स्टूडेंट को गाड़ियों का बड़ा मुझके बर्डन रहता है, तो जी मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही जी। जी जी सही है, तो मुझे आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, आप थोड़ा जोर से बोले प्लीज, आप थोड़ा ऊंची आवाज से बोले प्लीज जी। मेरे ख्याल में कॉल ड्रॉप हो गया क्योंकि कॉल सही नहीं आ रहा था, तो इस वजह से आप दोबारा कॉल करें, दोबारा कर सकते हैं आप कॉल, कोई बात नहीं है, क्योंकि बड़ी ज़रूरी है आपकी कॉल का, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आप लोगों की, और कॉल बहुत अहम है आपका, मैं बड़े अहमियत देता हूँ और ये बड़ी ज़रूरी भी होते हैं कि आपसे भी मशवरा करें, आपसे भी गुफ्तगू हो जाए, आप भी मेरे साथ, मैं अकेला बैठा होता हूँ, आप मेरे साथ गुफ्तगू में शामिल हो जाए तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा और शो और बेहतरीन हो जाएगा हमारा प्रोग्राम जो है, ताकि आपकी भी राय लें, आपकी भी ज़िम्मेदारी है
ना तनहा कि सिर्फ मेरी है, पूरा माशरे का बोझ और पूरा उसका मैंने लिए हुए आपका भी है, सबका है, हम सब चलते हैं और इस जो है इस मुल्क में इस जगह पे लोगों को अवेयरनेस दिलाने की कोशिश करते हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा दीनी फरीज़ा भी है, अख़लाक़ी भी है और इंसानी एक फ़र्ज़ बनता है, इंसानी रवैया भी है हमारे कि हम अवेयर करें लोगों को, इसे जान ले कि क्यों इस इतने मसाइल तालीमी और इतने मसाइल हो रहे हैं हमारे साथ। तो इस तरह के याद रखें कि उस्ताद का रवैया कभी कभी अगर बच्चों के साथ सही नहीं है तो वो भी एक मसला बनाता है, गंभीर मसला होता है। कुछ उस्ताद होते हैं जो रवैया सही नहीं रखता है, उस अपने शागिर्दों के साथ बहुत सख्त सी पेश आते हैं तो वो बच्चों पे जो बहुत प्रेशर होता है, एक तो घर में प्रेशर है, वालदैन वैसे ही उनको जो है ना भगाते रहते हैं और उनको बुरा भला कह के, फिर उधर स्कूल में भी ऐसा हो, कोई तो ऐसा जगह हो और फिर दोस्तों के साथ हो, दोस्तों के साथ भी वो एहसास कमती का शिकार, दोस्तों के साथ कि मेरे पास तो वो नहीं है जिसके पास अच्छे कोई कार देखते हैं या कोई अच्छे स्कूटर देखते हैं तो वो कहते हैं वो देखे उनके पास है, मेरे पास नहीं है, किसके पास अच्छी घड़ी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं तो वो कहते हैं वो लैपटॉप देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं कि वो देखे उनके पास इतने कुछ है, वो कितने कितने बड़े रेस्टोरेंट्स में कीमतें बहुत ज़्यादा उसमें खाते पीते और मैं ये वो, तब वो फिर और ज़्यादा एहसास कमती के शिकार हो जाएंगे। और बच्चों को ऐसा तरबियत दो ताकि वो पैदल भी चले वो एहसास कमती का शिकार ना हो, चाहे उनके पास कुछ भी नहीं है, स्कूल के वो पैदल ना चले मगर वो एहसास कमती का शिकार ना हो जाए। इसी तरह बच्चों के साथ जुल्म है कि आप उनको कहते हैं कि आप उसको बुरा आदत करते हैं और बुरे ये आदत आपकी है, यानी ये जुल्म है, आप खुद करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, ये कॉल लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, एलएसएटी यूनिवर्सिटी से, मैं एलेक्स ग्रेजुएट कर रहा हूँ। लाहौर तो से कौन मेरा बात नाम कर उस्मान है लाहौर से। आपकी आवाज मुझे सही नहीं आ रही, आप लाहौर से कौन बात कर रहे? मैं उस्मान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी उस्मान, जी उस्मान जी, क्या कहेंगे उस्मान? क्या हाल है, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम। मैं दसवां इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो मुझे बहुत सारे मसाइल है, मैं आपसे वो सवाल करना चाह रहा। जी जी बिल्कुल, कर ले प्लीज कर ले। जैसा मुझे वो ना गुस्सा बहुत ज्यादा आता है छोटी सी बात पे, टेंशन बहुत ज्यादा है, वो दबाव बहुत ज्यादा है स्क्रीन का, मुझे खौफ बहुत ज्यादा आता है, इसलिए मैं इसके बारे में पूछ रहा था कि वो आपका लाहौर कब आ रहे हैं, मैं आपकी वर्कशॉप अटेंड करूँ। जी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आने वाली जो हफ्ते हैं इंशाल्लाह उसमें आ जाएंगे आपको। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको खौफ रहते हैं, इम्तिहान का खौफ है, क्या है आप में? हाँ मुझे इम्तिहान में जब मैं पढ़ता हूँ मुझे दबाव बहुत ज्यादा लगता है, मुझे बहुत ज्यादा खौफ सा महसूस होता है कि यार मैं कहीं मेरे नंबर कम ना आ जाए, फेल ना हो जाऊं, इस तरह का फेल होने का खौफ है आपको ना कि फेल ना हो जाए, ये वो, ये खौफ नहीं है कि मैं सेकंड थर्ड ना हूं, यानी ये खौफ है कि फेल ना हो जाए। हाँ ये तो बहुत बदतरीन खौफ है, हाँ इस पे काबू पाने चाहिए आपको। ये खौफ जो है ना इस वजह से कि आप खुद भी थोड़ा सा ये कर ले, तैयारी कर ले, अच्छी तैयारी, अच्छी बेहतरीन से पढ़ें और खुद ही ये खौफ खत्म हो जाएंगे, है ना? मैं वो पढ़ता हूँ लेकिन वो ना बहुत ज्यादा दबाव बहुत ज्यादा दिमाग होता है, और लड़कों के अलावा कोई छोटी सी बात करे तो होती है ऐसी तो मुझे गुस्सा आ जाता है, दिल करता है इससे लड़ लूं, और बहुत सारा टीचरों से। अच्छा अच्छा हाइपर हो गए हैं आप, गुस्सा भी आ रहे हैं। और क्या आ रहे हैं? इसलिए मैं ये पूछ रहा था कि संदा ही नहीं से कोई कुकते बर्दाश्त वगैरह में। बिल्कुल 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 इंशाल्लाह आपको तो आप बताता कब आ रहे हैं और आपका मैं वो वर्कशॉप अटेंड करनी है आपकी। जी बिल्कुल इंशाल्लाह मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है, थैंक यू। हाँ, मुझे वो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, मैं डेली आपके टीवी पे देखता हूँ, बहुत अच्छा जी। आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है मुझे, बहुत शुक्रिया आपको, जब चाहे देखता रहूँ लेकिन वो टाइम की वजह से मैं ये बहुत ज्यादा कर रहा हूँ आपके, आप जल्दी से जल्दी हो रहे हैं।
जी शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आपने याद की है, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम पसंद करने का भी और आपके कॉल करने का भी, बहुत शुक्रिया आपका जी। हम यही बात करते हैं कि कैसे हौसला बढ़ें और किस तरीके से हम अपने ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। तो जो भी अगर आप आजकल जो हमारे यंग जनरेशन है, यंग तबका है हमारे, वो बहुत हाइपर हो गए हैं और बहुत परेशान हो गए हैं। वजह ये है कि एक तो ऊपर से कमाना भी है उन्होंने और ऊपर से उन्होंने तालीम भी करना है, ये तमाम ज़िम्मेदारियां उनके पास है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें चाहिए जिसकी वजह से इस तरह की कैफियत हो गए। तो तरबियत वालिदैन पे डिपेंड करता है कि बच्चे को किस तरह अपने अच्छे तरीके से आप उनको, क्योंकि बच्चा जो है अभी नहीं जानते हैं या बच्ची नहीं जानती हैं कि वो किस तरह अपने बर्दाश्त अंदर कैसे, तहमुल कैसे और कामयाबी कैसे होती है, कैसे हासिल होती है। वो सब समझता है कि शायद ज़्यादा पैसों पे कामयाबी हासिल होती हैं, शायद बहुत सी चीज़ें इकट्ठा करने पे, मशीन आलात को इकट्ठे करने पे कामयाबी होती हैं। शायद पढ़ाई भी वो ये समझता है कि पढ़ाई भी शायद मशीन आलात आपके पास ना हो और पैसा ना हो पढ़ाई नहीं हो सकते। हमारी बहुत सी मिसाल है जिनके पास कोई पैसे नहीं थे और बहुत ही ऊँचे मकाम पे पहुँच के अल्लाह ताला ने बहुत से उनको सलाहते दिए, बहुत से ताकतें दिए। तो इस वजह से आपको चाहिए कि आप अपने बर्दाश्त रखें और इस चीज़ों में और अपने दिलचस्पी रखें। दिलचस्पी ना होने की वजह से ये तमाम मसाइल बनते हैं। किसी भी काम में अगर कोई आपकी दिलचस्पी नहीं है, वो काम से दिलख्वाह नतीजे हासिल नहीं कर सकते आप। तो इस वजह से वालिदैन का बच्चों की तरफ तवज्जो इस सूरत में होती है कि वो नेगेटिव साइड पे कि हाई बच्चा ये ना करे, हाई बच्चे में ये ना लाए, हाई बच्चा इसको ना हो जाए, बच्चा हमारा बुरा ना हो जाए, बच्चा बुरा ना करे, बच्चे में ऐसे काम ना हो जाए, बच्चा जो है वो हमारा कोई कहीं लड़े ना, कोई झगड़े ना, कोई नुकसान ना उठाएं, कोई नुकसान ना लाएं, कहीं ये तमाम के तमाम बच्चे जैसे ही बाहर से निकलते हैं तो वो खौफ में होते हैं। बजाय इसके कि उसको फॉलो करें, बच्चे को बच्चे के साथ दें, उनसे कनेक्ट रहें, बजाय इसके वो अनजाने खौफ में मुब्तला होता है। जब घर आते हैं बच्चे तो बच्चे को कभी कभी अगर उनको कोई ऐसा कुछ किया ही नहीं उन्होंने तो भी उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने ये किए वो किए, तो बच्चे के एहसास कमजोर का शिकार होते हैं कि यार मेरे पे वालदैन शक करते हैं तो क्या ये कैसे होगा ज़िंदगी। तो इस वजह से आप जब तक आपके पास सबूत नहीं आए किसी चीज़ का, उसका बड़ा ख्याल रखें, एहतियात करें। तो इसी तरह के ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों की वजह से भी ये नहीं होता है, पढ़ाई इंसान सही नहीं कर सकता है, एहसास कमजोरी का शिकार होने की वजह से भी ये हो सकता है और नाकामी का खौफ और ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हमें ज़्यादा इस पर फोकस करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा बोझ पढ़ाई का भी होता है इस पर। तो इस पर बात करते रहेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, बहुत ज़रूरी है कि हम जान ले कि इस मसाइल पे काबू पा सके हम, तालीमी मसाइल पे। शॉर्ट ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू द हेल्थ हैप्पीनेस सक्सेस विद डॉक्टर अब्दुल समद। नाज़रीन, बहुत ही ज़रूरी तालीमी मसाइल और हमारे ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी तरीन शोबा वो है तालीमी मसाइल, वो है तालीम, सॉरी तालीम है, मगर तालीम के फिर मसाइल जो एक चीज़ ज़रूरी होते हैं, बहुत अहम होता है ज़िंदगी में, उसके साथ साथ मसाइल भी बहुत चलते रहते हैं। तो इस वजह से इस मसाइल को इग्नोर करते हैं लोग, बहुत से लोग इग्नोर करते हैं। बच्चे में प्रॉब्लम होता है नफ्सियाती या कोई जिस्मानी प्रॉब्लम उनको होती है और वो बताते हैं बच्चे को कि तुम नाअहल हो,
तुम तो बेकार हो, तुम तो किसी काम का ना हो, तुम तो लोगों के बच्चे देके क्या करते है, तुम क्या करते हो, तो कितने नाहल हो, तो कितना निकम्मा हो, तो कितना बुरा हो, तो तुम्हारा ये वो सारा कुछ याद दिलाते हैं। या तो बहन भाई आपस में इस तरह की बातें करते हैं, या वालदैन की तरफ से होती है, या फिर इस तरह की। और फिर बच्चों का बच्चों को ऐसा तरबियत दिए होते हैं कि वो बच्चे खुद वालदैन को गालियां दे रहे होते हैं, वालदैन को बुरा भला कह रहे होते हैं कि आप लोगों की वजह से मैं नाकाम हो गया, मैं नाकाम हो गई हूँ, तुम लोगों की वजह से, तुम लोगों ने हमारे साथ ज्यादती की है, फलां के ये किए। तो ये बात क्यों आता है ऐसा? क्योंकि आपने उनमें हौसला, बर्दाश्त ये चीज़ें नहीं किए। अगला प्रोग्राम मेरा हौसला बर्दाश्त पे होगा कि किस तरह हम ला सके ये तमाम चीज़ें। तो कल का जो प्रोग्राम है वो इसी चीज़ों पे होगा, मगर मैं यहाँ पर मसाइल को आपको जो दरपेश है उस मसाइल पे बात करेंगे, और उस मसाइल का हल कहाँ से और कैसा ये ज़रूर हम इसमें प्रोग्राम में आपको बता देंगे। बच्चों को इतना पढ़ाओ और इतना उनमें हौसला बर्दाश्त पैदा करो ताकि वो जितना बोझ आप उस पर डाल रहे हो वो बर्दाश्त कर सके, उतना एक्सरसाइज, इतना ताकत उनमें बर्दाश्त लाओ, तहमुल लाओ, ताकि वो जो आप उनसे करवाना चाहते हैं वो बर्दाश्त कर सके। नहीं तो ये एक बेबुनियाद बिल्डिंग आपने रखी है, बेतादा बेस नहीं है उस चीज़ का जो आप बना रहे हैं, और किसी न किसी पर गिर जाएंगे ये तमाम चीज़ें, हौसला टूट जाएंगे, एहसास कमतरी और एहसास जो वो है कमज़ोरी इसके बायस बन जाएंगे, और डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, टेंशन के शिकार हो जाएंगे। इस वजह से आप तमाम के तमाम इस चीज़ों के हवाले से एहतियात करना पड़ेगा आपको, बच्चों का तरबियत सही तरीके से। और अगर बच्चे सुन रहे तो बच्चे को चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट हो, अगर माँ बाप ने आपको इंडिपेंडेंट नहीं बनाया तो आप खुद अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं, और आप खुद डिपेंड मत करो किसी भी चीज़ पर, अल्लाह पर भरोसा करो और फिर अपने आप पर भरोसा करो, आगे बढ़ो खुद ही समझ की। बल्कि मेरे प्रोग्राम बच्चे भी देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं, और इस वजह से एक कॉल लेते हैं तो फिर बात करते हैं इस चीज़ों पे, और कॉलर से भी पूछते हैं तालीमी मसाइल का। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम जी। जी कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? आतिया बात कर रही हूँ, कराची से। जी जी, क्या कहेंगे? कहूँगी कि प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव, बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रोग्राम है। जी जी, और आप इसको बहुत अच्छी तरह कंडक्ट कर रहे हैं, और इसके अंदर जो चीजें आप लेकर आए हैं वो भी ऐसे इश्यूज हैं जो लोग आजकल डिस्कस बिल्कुल नहीं करते, और बिल्कुल उन इश्यूज को उठाया नहीं जाता। सही सही सही, बिल्कुल सही बात कर रही है, बिल्कुल सही। हाँ हाँ सही। जबकि ये चीजें जो है आपकी सोसाइटी को के पॉजिटिव चीजों को इनहेंस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है ऐसे इशूज, और ऐसे इश्यूज पे बात करना, उनके सॉल्यूशंस देना जो है वो अब प्रोग्राम्स में नहीं होता आमतौर पर आजकल। तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगी कि आपके प्रोग्राम में इस तरह की चीजें डिस्कस की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया। सही, बाकी एजुकेशनल सिस्टम एक्चुअली हम लोगों का हमेशा से ही बहुत अजीब सा ही रहा है, और बच्चों को बहुत ज्यादा जो है लर्निंग प्रोसेस हमारे यहाँ हमारे मुल्क में बदकिस्मती से बहुत अजीबोगरीब है। लेकिन कुछ ऐसी चीज, अगर हम लोग बच्चों को हमेशा शुरू से ही कुछ ऐसी चीजों के साथ कनेक्ट कर दें जो उनको हेल्प करें लर्निंग में, और क्लास में भी इससे भी होगा कि टीचर्स को भी क्लास में बहुत ज्यादा बच्चों के साथ जो है कॉपरेट करने में अच्छा लगेगा, मतलब टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। सही, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत खूबसूरत बातें कही। अच्छा, आजकल तालीमी मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, तो आपके ख्याल में कि सबसे मसला कौन सा है? क्या एहसास कमतरी है? क्या उस्ताद का रवैया सही नहीं है? पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं है? इंटरनेट के मसाइल हो गई है? एहसास जिम्मेदारी का ना होना हो गया है? माशी हालात ख़राब है उसकी वजह से हो गए हैं?
कौन सा वजह है जो कि ऐसे हो गई है, और क्या जहनी जिस्मानी बीमारियों की वजह से है या ज़्यादा पढ़ाई, ज़्यादा जो बोझ है बच्चों पे है उसकी वजह से है? कौन सा ऐसा वजह है जो कि आजकल बच्चे इस तरह के हो गए हैं और जितनी मसाइल है तालीमी, क्या वजह? मेरा ज़ाती ऑब्जर्वेशन तो ये है कि हमारे यहाँ स्टूडेंट काउंसलिंग सिस्टम ही एग्जिस्ट ही नहीं करता, चाहे वो करियर के हवाले से हो, चाहे वो बिहेवियर के हवाले से हो, चाहे वो लर्निंग प्रोसेस के हवाले से हो। क्योंकि बच्चों को कभी भी, बच्चे कोई भी स्टेज पे पहुंच जाए, उनको ये नहीं पता होता कि उन खुद से वो नहीं ये पता कर पाते कि उनके लिए क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, उनको क्या, किस चीज़ में उनकी एक्सपर्टीज है, उनको क्या चीज़, क्या शोभा लेना चाहिए, क्या चीज पढ़नी चाहिए, किस चीज में स्पेशलाइज करना चाहिए, किस चीज में करियर बनाना चाहिए, और फिर उसी हवाले से जो चीज वो सेलेक्ट करते हैं पढ़ने के लिए, उसी हवाले से उनका बिहेवियर भी जनरेट होता है। सही। हमारे मुल्क में बहुत बड़ा फुकदान है कि बच्चों को, पहले तो अब पेरेंट्स अपने बच्चों को ये देखें कि वो किस चीज को करने में ज्यादा, उनकी पर्सनैलिटी से क्या करियर मैच करता है, उनके बच्चे का दिमाग किस चीज में सबसे ज्यादा चलता है, अच्छा फिर उसी चीज में वो वही करियर, वही जो फील्ड है वो उसको सेलेक्ट करवाएं, और फिर उसमें उसको सपोर्ट करें। ऐसा नहीं है कि मतलब आप बच्चों को जबरदस्ती इंजीनियरिंग साइंस में डाल देते हैं और वो आर्ट्स में जाना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, और वो उनकी पर्सनैलिटी का अगेंस्ट होता है और वो उनको साइकोलॉजिकली बहुत बुरी तरह डैमेज करता है। सही। तो आपका मतलब क्या, आपका आपके नजर में किस जिम्मेदार कौन है? मेरा ख्याल है कि बड़े जो देख रहे हैं अपने बच्चों को, चाहे वो टीचर्स हों चाहे वो पेरेंट्स हों, उनको इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा अपनी तवज्जो रखनी चाहिए कि उनको अपने बच्चों को जाहिर है सब चाहते हैं उनके बच्चे कुछ ना कुछ बने, लेकिन वो इस तरह का प्रेशर उनके ऊपर साइकोलॉजिकल ना डालें कि वो उनके बच्चे के लिए आगे जाकर उसकी पर्सनैलिटी डैमेज कर दे। सही। तो आपका मतलब है वालिदैन जिम्मेदार है इसके? पहले, सबसे पहले तो जाहिर है घर से ही बच्चा जाता है। सही, तो घर वाले बच्चे के बिहेवियर को मॉनिटर करें। सही। कि वो क्या क्या पसंद करता है, उसकी क्या प्रेफरेंस है, वो क्या चीज करना चाहता है, किस चीज में उसका दिमाग ज्यादा चलता है। जरूरी, और ये जरूरी नहीं है कि आर्ट्स लेने वाले जो हैं वो कुछ नहीं होते, बेकार होते हैं। ये बहुत गलत परसेप्शन है हमारे मुल्क में, सब बच्चों को साइंस और इंजीनियरिंग और इस तरह की फील्ड में डाल देते हैं। जरूरी नहीं है कि वो उस तरह की फील्ड में आपके बच्चे की पर्सनैलिटी जो है वो उसको मैच करे और वो खुश हो उसमें जाके। सही फरमा रहे, बिल्कुल सही फरमा। ऐसी चीजों से ही जो है बच्चे के अंदर बचपन से ही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जन्म लेती है। हाँ, सही। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल सही। सबसे पहले पे बच्चे खुद अपने पे जिम्मेदार हैं अगर समझते हैं तो, फिर दूसरे नंबर पे उनके वालिदैन हैं ना, अगर उन्होंने तरबियत नहीं दी तो अपनी तरबियत वो खुद ही सही कर लें, और तीसरे नंबर पे फिर आ जाते हैं टीचर आते हैं, स्कूल आते हैं, स्कूल के माहौल आते हैं, है ना जी। और कौन से, और इसमें क्या अवामिल हो सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जो कि मसाइल इतने ज़्यादा बच्चों में हो गई हैं, मनफसियाती और जस्मानी मसाइल तालीम की वजह से बन रहे बच्चों को, बच्चों के एहसास कमतरी में, खौफ में मुब्तला कर रहे हैं जी। बहुत ज़्यादा टीचर्स स्कूल और स्कूलों में बदकिस्मती से माहौल भी ऐसा नहीं है जो बच्चों को वाकई कोई वैल्यूज दे। सही। एक मारने पीटने का माहौल, एक मतलब एक सख्ती का जो माहौल है वो उससे कोई पर्सनालिटी नहीं बनती एक, और ज्यादा बच्चों के अंदर एहसास कमतरी पैदा होने लगती है। अच्छा। तो हल क्या है? हल यही है कि आप अपने जो भी चीजें सोसाइटी के अंदर हो रही हैं, मतलब आप उनसे हट के अपने बच्चों के लिए आप सोचें, और लाइक आप उसको साइकोलॉजिकली मोटिवेट करें कि मतलब आप जो है जो भी चीज कर रहे हैं उनको वो सपोर्ट कर रही है, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, और
ये चीजें जो है मतलब टीचर्स और पेरेंट्स मिलकर इन चीजों को हल कर सकते हैं, लेकिन आजकल ऐसा हो नहीं रहा और बच्चों की पर्सनैलिटी नहीं बन पा रही इसी वजह से। अच्छा, तो हल यही है कि वालिदैन को करना चाहिए कि मकसद उनका ख्याल रखे, और फिर दूसरे नंबर पे स्कूल सिस्टम ना। जी, बच्चों को वालिदैन को ऐसे सॉल्यूशंस देने चाहिए। अब जैसे समदा हीलिंग एनर्जी है, उसके अंदर ऐसी चीजें मौजूद हैं जो हेल्प करती हैं, लर्निंग आपकी बहुत तेज करती हैं, आपका कॉन्फिडेंस रेज करती हैं, आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी बनाने में हेल्प करती हैं, कुव्वत बर्दाश्त और हौसला बढ़ाते हैं। सही जी, मतलब बच्चों को इंटरनल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट मिलती है ऐसी चीजों के साथ कि वो उनको हेल्प होती है याद करने में, जल्दी याद करने में हेल्प होती है, एग्जाम का डर नहीं उनमें बैठता। सही, वो एग्जाम को कॉन्फिडेंटली बिल्कुल पॉजिटिवली लेके उसका सामना करते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्या जबरदस्त बात कही आपने। जिस तरह HMF है, ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स, PMBL है, द पावर ऑफ माइंड एंड बॉडी लैंग्वेजेस, ये बड़ी ज़रूरी एक अहम तरीन शोबे हैं, बहुत खूबसूरत शोबे हैं। और ये वाकई पिछले साल में हमने तालीम लाहौर और यहाँ पर और पिंडी में हमने बच्चों के क्लासेस लिए थे और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिले थे उनको, तो इसका मतलब है ये काम करते हैं बेहतरीन। मेरा प्रोग्राम का वक्त नहीं है, वरना आपसे और बहुत सारी बातें करनी थी। बहुत शुक्रिया आपने याद किया, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त नहीं है, क्या करें, प्रोग्राम का वक्त शॉर्ट होता है, कम होता है, तो इस वजह से हम इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम में और बड़ी खूबसूरत मौजू के साथ। कुव्वत बर्दाश्त और हौसला ना हो तो ज़िंदगी, पूरा ज़िंदगी का पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो जाते, याद रखे। तो अगले प्रोग्राम में मिलेंगे बड़े इस अहम मौजू के साथ कि हौसला और कुव्वत बर्दाश्त कैसे बढ़ाए, अगर ये नहीं है तो ज़िंदगी के दारोमदार हर चीज़ दरहम बरहम हो जाते। अगला प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा कल। अपने डॉक्टर अब्दुल समद को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।